इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ, स्क्रीन पर देख सकते हो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वीमेट ऐप। इस पर क्या चल रहा है ना कि आप सनी लियोन के स्टिकर यूज़ करके आप उस पर वीडियो बनाते हो। अगर आप उस जीतते हो तो आपको सनी लियोन के साथ आपको डिनर डेट का मौका मिल सकता है। अगर आपको ये कॉन्टेस्ट जीतना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हो और जीत सकते हो। तो वीडियो को इन्जॉय करो। तो यहाँ पर ये पतंग छोड़ते हुए ये प्लेयर इस मांझे छोड़ने किस कारीगर का मांझा है, तो ये है रियासत भारती का मांझा है ओरिजिनल। और ये छोड़ते हुए और यहाँ पे काफी सारी पतंग कुछ चेक होती हुई कुछ छुटती हुई, उधर से देखो उसका तिल्ला मोड़ा जा रहा है, उधर से चेक होएंगी कुछ छुट भी रही है। और ये प्लेयर इनका पेच लड़ रहा है, तो ये देखो देखो कितनी अच्छी खींच लग रही है। उधर से वो पतंग जा रही छुटके वो छोड़ रहे हैं वाले प्लेयर, देखो आप ये भी तो इनका पेच लड़ रहा है, इनका पेच प्लेयर देखो कितने सारे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है टूर्नामेंट आज ही बारात हो रही है। और ये देखो लालडोर, ये भी रियासत भारती की, ये भी हाँ रियासत भारती है, देखो लिखा है रियासत भारती, ये ज़्यादातर रियासत भारती की डोर यूज़ कर रहे हैं। देखो रेड कलर की डोर है, काफ़ी कड़क है, प्लेन डोर है ये, सर्दियों में प्लेन डोर कहाँ से आ गई मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, काफ़ी अच्छी डोर है भी। ये भी रियासत भारती की है, वो वाली भी रियासत भारती की थी, देखो ज़्यादातर ये रियासत भारती का ही मांझा यूज़ कर रहे हैं, रेड वो कुछ खूबसूरत रेड। और इस बैग में पतंगे दिखाते हैं आपको, तो ये पतंग देखो तो पतंग कितना अच्छा है। और ये है सरदार की पतंग, ये सरदार की पतंग है मुरादाबाद की, और ये पतंग देखते हैं, ये भी सरदार की पतंग है। और ये डिज़ाइनर पतंग है थोड़ी बहुत, ये भी देखो पटियल। तो यहाँ पर इस बैग में से पतंग निकाली है, ये पतंग देखो चौका पूरा जर्मनी पेपर में पतंग है, पोनी पतंग, इसमें साथ में टेपिंग के साथ स्टिकर लग रहा है, देखो हरी शहीन काइट क्लब दिल्ली, देखो आप काफी एकदम डार्क पेपर है, जर्मनी पेपर जिसे कहते हैं, ये कप्तान है शाइन गाइड क्लब के, बता दीजिए वीडियो। ये देखो पतंग इसमें, इस कलर क्लब का एक ही बैग है, पतंगे सरदार की पतंग आ रही है, ये अमीरुद्दीन, ये भी देखो सारी डिजाइनर काइट है। और ये पतंग देखो पुरानी पुरानी भी है, ये पतंग भी काफ़ी अच्छी है, ये भी देखो डिज़ाइनर डिज़ाइनर। और ये पतंग ये देखो इसमें चांद बना हुआ है। और ये पतंग देखो ये है वाहिद मेरठ, कितने रुपए का पतंग है, 2800 रुपये का पतंग है, देखो ये भी वाहिद मेरठ, काफ़ी अच्छी अच्छी पतंग है। देखो गोल फर्मे में जर्मनी पेपर, ये है आसिफ अंसारी, ये भी मेरठ की पतंग है। तो इस खत्म हो गई पतंग, और मंजा अंजा और कुछ दिखाते हैं। और इस तरह से टेप लगाई जाती है पतंगों पे जॉइंट पे, ताकि खींच मारते पतंग फटे ना। यासीन गुड्डू की पतंग है। One eternity later. तो इनका पेस सही हो चुका है, ऊपर से है प्लेयर, तो यहाँ पर ये प्लेयर पतंग छोड़ते हुए डायरेक्ट मंजे से जब काट दो वहाँ से थोड़ी कटे। और ये मंजा है चॉकलेटी कलर का, छोड़ते हुए इनका ये प्लेयर वो पतंग जा रहा है नीले कलर का। जा रहा छुटके पतंग, तो ये प्लेयर यहाँ पर छोड़ते हुए चॉकलेटी पतंग को, और इनके पास एक ग्रीन मांझे की चकरी है, ये रियासत भारती की डोर है,
ग्रीन कलर का मांजा है एकदम डार्क ग्रीन। में काटते हैं ऐसे काटते हैं। ये वाला लेना पड़ेगा तो। ये जा रही है छुटके। वो हो गए यार टिकट। माशा भी सही जगह पर खड़ा है ना। 20 मिनट आधा अपना कर देते बस। तीन प्लेयर का पेच लड़ते हुए, ये प्लेयर है ऊपर से और काफी एक दूसरे के अंदर भीतर घुस चुके हैं। काफी अच्छी पोजीशन है तो इन्होंने हाथ पे जमाई डोर और ये चले 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 मारो पूरा पावर का यहाँ से पूरा बस कट गया। बहुत ही प्यारा पेच काटा इन्होंने, खड़ा गद्दा काटा है। अब तो चाय अंडे बनती है। तो यहाँ पर ये प्लेयर लड़ाते हुए इन्होंने अभी दो पेच काट दिए, एक पेच ऊपर से काटा है भीतर को घुसते हुए, वो भी काफ़ी चलाक है ओपोनेंट यानी दूसरे क्लब का प्लेयर। तो उसने लिया, इन्होंने नीचे दबाया और इन्होंने सीधा ऊपर खींचते हुए बहुत ही अच्छा पेच काटा। इन्होंने तीन पेच काट दिए, एक ऊपर से काटा, दो नीचे से, काफ़ी अच्छे पेच काटे हैं। तो नेक्स्ट देखना। तो इन प्लेयर ने क्या कहते हैं, तीन पेच काटे टोटल, एक ऊपर से दो नीचे से। तो ये बताएंगे इन्होंने नीचे से ऊपर से किस हिसाब से उन्होंने पेच काटे, जो अभी काटा नीचे से तो बताइए। मैंने काटे दिखाया कुछ, मारा कुछ और। तो इन्होंने इस तरह से पेच काटा है, इसमें ज़्यादा चलाकी का भी खेल होता है इसमें कि दिखाओ कुछ और करो कुछ। यहाँ पर चौथा पेच लड़ते हुए, फिर हम नीचे से ही है, हमारा पेच नीचे से ही लिया है दोबारा हमने। तो एक दूसरे का ऊपर नीचे को होंगे फिर सही लेंगे। नीचे का पूरा एकदम सजा लिया, सही हो चुका है पेच और अब जा रही है अपना एक्शन दिखाना, सही समय पर सही काम करना। चार पेच काट दिए इन प्लेयर ने, तीन नीचे से एक ऊपर से, काफ़ी मौके का फ़ायदा उठा के। और जैसे इन्होंने अपनी पतंग रोकी, इन्होंने खींचते हुए थपकी मारी, उसकी पतंग काट दी। नेक्स्ट देखना। तो यहाँ पर पांचवा पेच लड़ते हुए, फिर नीचे से पेच लिया है, सही हो चुका है पेच, सही हो गया पेच। और इस बार देखते प्लेयर किस हिसाब से पेच काटते हैं। तो इन्होंने जैसा कि बोला था कि दिखाओ कुछ और मारो कुछ, तो काफ़ी अंदर घुसते हुए उसके, तो इनकी पोजीशन अच्छी है काफ़ी। अच्छा दोबारा हो जाएगा भाई। अच्छा अच्छा ठीक है। तो उनकी पेच के ऊपर मांग कुछ और है, तो दोबारा सही करेंगे पेच। तो दोबारा पेच ऊपर नीचे का हो चुका है, सही लेन सही हो चुका है पेच। तो काफी इन्होंने अपनी पतंग नीचे कर रखी है और अब इन्होंने अपनी पतंग चढ़ाई, कुछ ही देर बाकी है बस काम तमाम करने में। तो भीतर को ज़्यादा भीतर घुसते हुए ये पतंग सीधी करी, मुड्डा घुमाया और ये प्लेयर बस ये चले 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 चले। तो इस बार पेच कट गया, क्या हुआ पेच ज़्यादा तेज रुक गया था तो थक गए दोनों प्लेयर, तो आपस में भिड़ गई, फिर पता नहीं चला किसकी पतंग जाएगी किसकी नहीं जाएगी, उसमें नहीं कह सकते। तो इस बार कट गई। तो यहाँ पर इन पेच का एक क्लब के प्लेयर का पेच लड़ेगा, वही प्लेयर है जिन्होंने रियासत भारती के मांझे से छोड़ा था, तो अब इनका पेच लड़ेगा, आप देखना। तो यहाँ पर पेच ऊपर नीचे का लिया जा रहा है, सही करा जा रहा है। ये देखो ये वही प्लेयर है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, पहला पेच है इनका इस पेच का। तो ये प्लेयर एकदम सही, सब कुछ हो चुका है उस समय पिछला पेच। तो ये चले चले चले, बहुत ही प्यारा पेच काटा इन्होंने नीचे से ये वाला। तो इससे पिछला पेच में इसलिए नहीं दिखा पाया, किसी वजह से रुक गया था। तो बहुत ही अच्छा पेच काटा इन्होंने नीचे से, खड़ा खींच के काटा नीचे से घुसे और सीधा ही खींच के काटा। तो नेक्स्ट पेज देखना। यहाँ पर ये प्लेयर उसी मंजर छोड़ते हुए रियासत भारती कैसे रेड डोर है, रील आते हुए रील आ गई है। तो देखो और कुछ दिखाता हूँ फिर मैं आपको, प्लेयर भी काफ़ी सारे हैं और इन प्लेयर का दोबारा पेच लड़ते हुए।
कट गए इस बार। मैं प्लेयर देखो कितने सारे हैं, एकदम ऐसा लग रहा टूर्नामेंट आज ही बारात हो रही है, काफ़ी सारे प्लेयर हैं। तो गाइस ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और उधर देखो प्लेयर उड़ा रहे पतंग। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।